हेलो गाइस, आई एम निगार। और आज हम देखने जा रहे हैं नाउन। आप लोग सोचते होंगे नाउन बहुत इजी है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमेशा नाउन गलत हो जाता है। तो चलिए एग्ज़ाम पॉइंट से देखेंगे कि नाउन क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्यों हम रॉन्ग कराते हैं। तो चलिए देखते हैं नाउन। नाउन वैसे तो नाउन नेमिंग वर्ड है। नाउन में हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन? जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते। देखिए एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, मिस्चीफ, ब्रेड, सीनरी, एबूज, वर्क, वैकेशन, एविडेंस, फूड, फर्नीचर, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, म्यूजिक, फ्यूल, बैगेज, इक्विपमेंट, नॉलेज। ये ऑल दिस थिंग्स आर अनकाउंटेबल नाउन। इन्हें हम गिन नहीं सकते। एडवाइस में एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, हेयर है, इनको हम गिन नहीं सकते। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या रूल होता है। आर्टिकल ए एन कांट बी यूज, इसमें हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें हम गिन नहीं सकते, तो हम इसमें ए एन का यूज़ भी नहीं कर सकते। अगर इन्हें गिना जा सकता तो सारी दिक्कत ही ख़त्म हो जाती। हम इसमें ए एन का यूज़ भी करते, हम इसमें प्लूरल फॉर्म का भी यूज़ करते, लेकिन जब हम ये गिन नहीं सकते, जब इनको प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, तो हम इसमें ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है दे कांट बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी नहीं यूज़ कर सकते। जब इन्हें गिना नहीं जा सकता तो इन्हें प्लूरल फॉर्म का यूज़ नहीं किया जा सकता। तीसरा रूल है ऑलवेज यूज इन सिंगुलर वर्ब, और ये इसमें हमेशा क्या होएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। यानी अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन नहीं सकते, जो हमेशा अकेला होता है, जो हमेशा सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर होगा, जब हमारा नाउन ही सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। चलिए देखते हैं एग्जांपल से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग आर वेरी चार्मिंग। सीनरीज क्या, सीनरी क्या है हमारा? सीनरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने क्या बताया कि सीनरी में जो गिना नहीं जा सकता, तो ना हम इसमें ए एन का यूज़ कर सकते हैं, ना हम इसमें प्रोफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। हम एडवाइस का एडवाइसेज नहीं कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, हम ब्रेड का ब्रेड्स नहीं कर सकते, हम सीनरीज का सीनरीज नहीं कर सकते। हाँ, ब्रेड गिनना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूजुअली ब्रेड को गिना नहीं जा सकता। अगर एबूज में हम एबूजेज कर देंगे तो इसका तो मतलब ही चेंज हो जाता है। एबूजेज का मतलब कुरुतियाँ हो जाता है। इक्विपमेंट देखते हैं, इक्विपमेंट्स कितना अच्छा लगता है आजकल की भाषा में, आजकल की लैंग्वेज में लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। हाँ, इक्विपमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सीनरीज है, सीनरीज जो कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसे गिन नहीं सकते, हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर वर्ब क्या है? आर। जब हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो हमारा सही सेंटेंस होगा द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर्स बाय ट्रेन। फर्नीचर मेरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते, तो हम इसमें एस आई एस का यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा सेंटेंस सही होगा, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रेन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नॉलेजेस आर गिवेन टू हिम। नॉलेज क्या है? क्या नॉलेज को गिन सकते हैं? एक नॉलेज, दो नॉलेज, तीन नॉलेज? वी कांट यूज इन प्लूरल फॉर्म। सो हम इसमें एस आई एस का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें प्रोवर्ब लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। हम सही सेंटेंस क्या लिखेंगे? नॉलेज इज गिवेन टू हिम। और आगे सेंटेंस देखते हैं, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और इन्फॉर्मेशन को हम गिन नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन में हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ए एन है, एन लगा हुआ है, एन इन्फॉर्मेशन, ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या है? ही गेव मी इन्फॉर्मेशन। आगे देखते हैं, ही गेव हिम एन एडवाइस। ही गेव हिम एन एडवाइस, और एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें एस आई एस लगा सकते हैं। ये क्या है? गलत है। आई गेव हिम एडवाइस, ये सेंटेंस हमारा सही है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे अलविदा लेते हैं, हैप्पी दिवाली। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।